प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार। कला के साथ साथ शिक्षा जगत में शिक्षा को इस तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं सभी तक पहुंचाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग को रोजगार लगे, और साथ साथ एजुकेशन में एजुकेशन कैसे और भी बेहतर हो जिससे सभी लोग लाभान्वित हो ऊपर से लेके नीचे के पैदान तक। तो हम आग्रह करते हैं लोकप्रिय नेता हमारे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू को, हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई मंत्री और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जो पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल श्याम बाबू नारायण चौधरी साहब, सभी प्रतिभागीगण, मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। इससे पूर्व आया था, विनोद जी बुलाए थे, और जो बात छन के आई है कि अभी बैठते बैठते सरकार थे कि एकेडमी बना हुआ है, अध्यक्ष नहीं है लंबे समय से, कल ही हमने समीक्षा की है और ये जल्द ये काम पूरा हो। मगर एक बात है कि कोई भी काम जो आपसे ओझल होता है उसमें एक आदमी को जवाब दे और एक व्यवस्था को जवाब दे, दोनों में फर्क है। अगर कुछ कमी है सरकार के स्तर पर, आप ललित कला या कला संस्कृति विभाग, तो हम ये महसूस करते हैं यहाँ बैठने के बाद अभी जो वक्तव्य आया है कि निश्चित रूप से फॉलोअप करने में, कोऑर्डिनेशन करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी। वरिष्ठ कलाकार कहूँ या संवेदनशील कलाकार कहूँ, जो भी बिहार में एक अमित हस्ताक्षर हैं, जो साहब अभी आप लोगों को संबोधित करके गए, तो जो समालोचना विवेचना कला के प्रति जो इनकी एक परख है आपको बोल के गए हैं, तो हम लोगों के लिए बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो धृष्टता करते हैं, बोलने की धृष्टता करते हैं। मूल रूप से मैं मुझे जो समझ है कि विनोद जी बराबर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं या अपनी 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 बात लेकर के जाते हैं, संस्था की बात लेके जाते हैं, तो शिक्षा विभाग से जिस सहयोग की आशा करते हैं, तो मेरा ये विनम्र अनुरोध होगा कि इस मामले में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और फॉलोअप भी करनी चाहिए। तो जो निराशा का वातावरण आप देख रहे हैं वो स्थिति नहीं पैदा होगी, क्योंकि जो सरकार के मुखिया हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विकास के शिल्पकार, फिर हमारे युवा आदर्श बेरोजगारों और युवाओं के लिए चिंतित तेजस्वी यादव जी, एक समर्पण है, और कहीं न कहीं आवाम भी ये महसूस करता है, हम लोग भी करते हैं कि बिहार को हर क्षेत्र में विकास की तरफ ले जाना है, ये तमन्ना है, ये मंशा है हमारे नेताओं। तो इन्हीं अनुरोध के साथ कि एक संवेदनशील व्यक्तित्व, कला के माध्यम से आदमी संवेदनाएं अपने अंदर जो है, चाहे वो दुख का हो, खुशी का हो, अत्याचार का हो, हर ढंग की ये कला प्रदर्शनी आपको भी देखे होंगे, आएंगे या नहीं देखे होंगे तो मायना करेंगे। हमें तब दुख होता है कि हजारों साल पहले जो स्थिति थी उसमें थोड़ी बहुत ही सुधार, जाति के नाम पर एकलव का अंगूठा काटा गया,
कर्ण जी को स्वयंवर में रोका गया, अभी भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को मंदिर जाने से रोक देते हैं। आखिर इससे संबंधित कला हम एक भी नहीं देखे कि भाई जातियों के नाम पर जो अपमानजनक चीजें आज भी हो रही है, और रीता जी के कला प्रदर्शनी में इसको देखा नहीं, गांव ग्राम की तकलीफ विवेदना को देखा है, लेकिन जातीय विसंगति अपमान का की जो विषय है वह भारतीय संस्कृति में बहुत ही बुरी तरह आज भी है। और हम सभी का कर्तव्य है कि 195 देश है यूएनओ से रिकॉग्नाइज, और बमुश्किल हमारे अखंड भारत के पास भारत के अखंड भारत के पास अफगानिस्तान की स्थिति को तो मैं नहीं जानता हूं, बर्मा भूटान को थोड़ा बहुत समझ सकता हूं, नेपाल को जानता हूं, और पाकिस्तान बांग्लादेश में हो सकता है ये स्ट्रक्चर होगा। ये जो 6,743 जातियों का सम्मिश्रण है भारत में, तो 6,743 दीवारें महसूस होती है, और ये भारत के विकास में या भारत को ताकतवर बनाने में बड़ी बाधा है। हम ओरिएंटेशन करते हैं, किए हैं, चूंकि टीचर हैं कॉलेज में, डे वन से देखते लोगों की जिज्ञासा रहती है जाति जानने का। पढ़े लिखे लोग पीजी डिलीट वो जिज्ञासा रखते हैं कि हम जाति जाने, फलां की क्या जाती है, चिलां की क्या जाती है, और हम सीखते नहीं हैं कि ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा किसी जात के खूटे में बंधे रहते तो अंबेडकर साहब इस सदी के सबसे बड़े विद्वान नहीं होते। सिंबल ऑफ नॉलेज, आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल पर जाइए, सिंबल ऑफ नॉलेज खोजिए, तो एक आकृति मूर्ति आएगी आपके सामने जिसका नाम होगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो भारतीय संस्कृति का यह दोष है कि जातीय विडंबना है कि सबसे निम्न जाति में पैदा होने वाला आदमी अमेरिका जाता है तो पहला छात्र बन करके, लंदन जाते हैं तो पहला छात्र बन करके, सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं, वही कहलाते हैं। अगर ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा किसी जाति के खूटे में होते तो अम्बेडकर साहब को तो चपरासी बनने का अवसर नहीं मिलता। और फिर पहली महिला शिक्षिका होती है तो वो भी अति पिछड़ी जाति की होती है, ज्योतिबा फुले। भाई कुछ न कुछ तो बात है, हमें कुछ दोष है, अपना दोष न ढूंढेंगे तो भारत को ताकतवर बनाने का कला प्रेमियों के माध्यम से हो कि चाहे जैसे हो, ताकतवर बनाने की जो हमारी ख्वाहिश है वो कमजोर पड़ती जाएगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, हम देखे तो हम थोड़ा निराश भी हुए कि जातीय विसंगतियों को, अपमान को उकेरता हुआ कोई एक कलाकृति न देखे। इसलिए मेरा ये अनुरोध होगा आगे से कि इसका भी ख्याल रखा जाए। जो हमारा सच है उस सच को अगर हम ना दिखावें तो हमारे अंदर की संवेदना मरेगी। और आज भी द्रोणाचार्य को देख हम लोग महसूस करते हैं, तो द्रोणाचार्यों से फुर्सत मिले, छुट्टी मिले, इसका प्रयास सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के पास अगर कुछ मेरी वाणी से तकलीफ हुआ हो तो माफी चाहते हैं, मगर ये सत्य बोलने का काम अगर कोई ना करेगा, सत्य मर जाएगा तो फिर भारत ताकतवर नहीं बनेगा। अगर जाति सच होती तो आप अपने ये जो 7-5 देश का नाम हम गिनाए, हो सकता है मॉरिशस, फिजी, अंग्रेज हमको लेके चले गए थे काला पानी के माध्यम से, और वहां जाकर के हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, तो एक विलक्षण प्रतिभा की धरती रही है भारत भूमि में। अगर विलक्षण गुण है तो बिहार उसका केंद्र है, चाहे गणित का ज्ञान देकर के दुनिया को, शून्य का ज्ञान देकर के दुनिया को गणित का बोध कराने वाला, वैशाली के माध्यम से गणतंत्र का बोध कराने वाला, अहिंसा का बोध कराने वाला, और तो और ज्ञान की भूमि में बैठे हम लोग है, यही पाटलिपुत्र, यही मगध ज्ञान की भूमि है, भगवान बुद्ध को यही निर्वाण प्राप्त हुआ, यही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की भूमि, अहिंसा की भूमि, गणतंत्र की भूमि, गणित की भूमि, आज अगर कटोरा लेके भीख मांगता हो दुनिया के देशों में या भारत में तो ये चिंताजनक है। हम सबकी या जिम्मेवारी बनती है कि एक प्रेम मोहब्बत और जातीय विसंगति से दूर एक ऐसा समाज हो जिसमें नफरत नहीं हो,
मोहब्बत ही मोहब्बत हो। और रंजना कश्यप हमारे डिप्टी सीएम को कह रहे थे अब तो 48,000 जातियां, तो 6,743 ही बल है, 43,000 का क्या हो। और वो एंकर है, इतना बड़ा एंकर, इसलिए ये परोसा जाता है नफरत, ये ठीक बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के पास हम माफी चाहते हुए कि सरकार और विभाग हर समय तत्पर है बेहतर कराने के लिए। और प्रोफेसर साहब का जो बड़े प्रोफेसर है आर्ट एंड क्राफ्ट विभाग के, इनकी वेदना को समझा और विनोद जी से ये अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग जो भी बेहतर सरकार से ले सकते हैं करिए, हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रंजन कुमार अमृत दी रिपोर्टर, अमृत दी न्यूज, पटना बिहार, इंडिया। वंदे मातरम।